ग्राम बंदौरा में 7 साल पहले जिला पंचायत कालीन बुनाई केंद्र खोला गया था। 30 लाख से ज्यादा की लागत से बनाए गए इस केंद्र में 20 से ज्यादा गांव के ग्रामीण बुनाई करने आते थे, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता था। लेकिन तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहां बनाए गए 52 कालीन में से एक भी नहीं बिका। इसका कारण है कि कालीनों का महंगा होना, जिससे धीरे धीरे यहाँ लोगों को काम मिलना बंद हो गया और अब लाखों की लागत से बना केंद्र खंडर बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ कालीन बुनाई के लिए लगाया गया लाखों का सामान भी खराब हो चुका है। वहीं एक बार फिर से नए अधिकारी से नए तरीके से बनाने का ऐसे दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे पर ग्रामीणों को ज्यादा भरोसा होता नहीं दिख रहा है। धोवाई वाई करके ना 52 फिसला धोवा धो के हम 2-3 जगह लेके हम बिलासपुर और यहाँ रायपुर पंडरी मार्केट वहाँ एक फीस नहीं बिक्री ऑर्डर दे रही जरूर हाँ नहीं बिकिस रेट ज्यादा हो गए ना ओखर कारण नहीं बिकिस। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराजनेता प्रदीप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, विस्तार से पूरे घटना को बताइए। देखिए, ग्राम बंदौरा में शासन की ओर से जो है एक 30 लाख रुपए की लागत से बुनाई केंद्र जो है बनाई गई थी। वो बुनाई केंद्र क्योंकि यहाँ के आसपास का जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको रोजगार मिले और शासन को कुछ फायदा मिले, जैसे कि गलीचे जैसे बना रहे हैं उसमें से लगभग 1500-1600 रुपए की लागत से जो है खर्च आता है और उसको बकायदा 3000 या 3500 में उसको बेचते हैं, जिससे शासन को भी काफी लाभदायक होता है। लेकिन अब आज के डेट में जो है 30 लाख रुपए की जो लागत से जो बुनाई केंद्र जो है बनाई गई है वो बदहाल हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक शासन और प्रशासन की जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। लेकिन जो अधिकारी है वो सुधार का दावा कर रहे हैं। प्रदीप, जब मीडिया के माध्यम से जब हमने जब सवाल किए तो इसमें दफ्तर से कहा है जिला पंचायत के सीओ अब जो है इसमें ध्यान दिया जाएगा और विस्तृत रूप में इसको और चालू करने का जो है प्रयास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया है। आपने संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? प्रदीप, अधिकारियों का क्या कहना नजर आया है कि कितना समय लग सकता है इसके सुधार के लिए? देखिए, अभी असल में ये क्या है, थोड़ा सा जो है होता है, एक अधिकारियों का कहना है कि बड़ा प्रोजेक्ट होता है और लगभग 30 से 40 गांव इससे जुड़े हुए रहते हैं, काफी लोगों को रोजगार मिलता है। उनका साफ तौर से यही कहना है कि शासन को इन्होंने भेज दिया है और शासन की तरफ से जैसे भी आएंगे तो वहाँ पे फिर से जो है कारीगरों ने अभी तक कोई मांग रखी है या लिखित में कोई आवेदन दिया हो? देखिए, जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कई बार से जो है कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ और जो यहाँ के जो मंत्री थे टावर मंत्री है मोहम्मद अकबर, उनसे भी इन्होंने जो है गुहार लगाई है कि उस बुनाई केंद्र को जल्द से जल्द चालू कराए और ताकि हमको जो है रोजगार मिले। ऐसे में अगर देखा जा सकता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति में काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खास करके ग्रामीणों में काफी मायूस देखा जा सकता है कि लोग जो है रोजमर्रे के जो सामान है वो नहीं मिल पाते हैं और ऐसे में काम भी बंद है तो कहीं कहीं ये जो वहाँ के जो कारीगर है उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।